आपके सामने ये क्वांट्स का सॉल्यूशन लेके, जो हमारा वीकली टेस्ट होता है एसएससी का, उसका जो ये जो वीडियो है वो वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है। किसका? क्वांट्स का। रीजनिंग का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, रीजनिंग का आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। रीजनिंग के क्वेश्चन 26 to 50 थे, अभी जो हम सॉल्व करेंगे वो 51 to 75, ये क्वांट्स के सेक्शन है। चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली समय ना बर्बाद करते हुए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? टू ट्रेन स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम ए टू बी एंड द अदर फ्रॉम बी टू ए। इफ दे अराइव एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली 4 आवर एंड 9 आवर्स आफ्टर दे पास ईच अदर, ओके, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई ये दो ट्रेनें हैं, ए और बी, है ना, ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ए चल रहा है यहाँ और बी चल रहा है इधर, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये कॉमन पॉइंट पे मिली, फिर यहाँ कॉमन पॉइंट से ए को यहाँ जाने में क्या लगा, 4 घंटे लगे, और इसको बी को यहाँ आने में कितना लगा, 9। अब देखो जब भी हम मतलब मिलती है ना ट्रेनें, तो बेसिकली बी ने जितना टाइम यहाँ कंज्यूम किया, मतलब बी से इस पॉइंट पे आने के लिए, मान लो ये टी था, ए ने भी यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम किया होगा, टी लगा होगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, टाइम पीरियड का जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है, इसका मतलब टी अपॉन 9 इक्वल्स टू 4/T। तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36, मतलब टी बराबर कितना आ गया, 6 घंटे, ठीक। अब चूंकि डिस्टेंस सेम है, स्पीड का जो रेशियो होगा, मतलब एस ए टू एस बी, वो क्या होगा, टाइम पीरियड के रेशियो के बराबर, लेकिन उल्टा, है ना, टाइम ऑफ बी टू टाइम ऑफ ए। अब देखो ये 6 घंटा हो गया, ये भी 6 घंटा हो गया, टाइम ऑफ बी कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया, 10, मतलब कितना, 3/2, ठीक। ये आया सबको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए प्लेस ए टूवर्ड्स बी 60 किलोमीटर्स अपार्ट, ओके, ठीक है। देखो ये रवि और अजय एक सेम प्लेस से आगे बढ़ते हैं, कितनी इनकी दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक। और हमें क्या दिया हुआ है, रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर लेस देन अजय, मतलब स्पीड ऑफ अजय माइनस स्पीड ऑफ रवि इज व्हाट, 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर रीचिंग बी अजय टर्न्स बैक एंड मीट रवि एट द प्लेस 12 किलोमीटर अवे, ओके, फ्रॉम बी। देखो अजय जो है वो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस आया, ये कितना डिस्टेंस है, 12, और यहाँ पे उसने वो किससे मिला, रवि से मिला। अब देखो जितने टाइम में अजय यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चला गया, 72, मतलब 60 यहाँ से यहाँ प्लस 12, उतने टाइम में रवि ने कितना चला, 54 यहाँ से यहाँ, ठीक। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, ठीक। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर टाइम सेम है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस सेम था तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये पिछले वाले क्वेश्चन में था, प्रीवियस, है ना, ये अभी वाले क्वेश्चन में लगना है। तो डीए कितना है मेरा, 72, डीबी कितना है, 54, ठीक। इसको काटिए किससे, 9 से काटिए, 6 टाइम्स ये गया कितना, 8 टाइम्स ये गया कितना, 4:3 आया। अब ये जो स्पीड का डिफरेंस है, एक यूनिट दैट इज इक्वलेंट टू, ये दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे किसकी निकालनी है, रवि की निकालनी है, स्पीड ऑफ रवि ये कितनी है, 3, 3, मतलब अगर एक यूनिट 4 किलोमीटर पर आवर है तो 3 यूनिट कितनी होगी, 12 किलोमीटर पर आवर, आंसर ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार, ओके, इट टेक्स 4 आवर्स टू रीच इफ यू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, ओके। देखो एक 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक वो पहले 60 किलोमीटर किससे चलता है, ट्रेन से, और बाकी का बचा कितना हुआ, 240, वो किससे चलेगा, कार से।
इसमें उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे। अब क्या बोल रहा है, ही टेक्स 10 मिनट्स मोर इफ ही वर टू ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। ओके, अब वो सेम डिस्टेंस को अगर ऐसे चलता है, ये 100 किलोमीटर किससे चला, ट्रेन से, और ये जो चला 200 किलोमीटर ये किससे चला, कार से, तो उसको कितना टाइम लगता है, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब 4 आवर 10 मिनट्स। ठीक, द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। ठीक है, एक तो तरीका हो गया अपन नॉर्मल करें कि मान लीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं एक्स ले लूं और उसको वाई ले लूं। एक इक्वेशन ऐसी बनेगी कि 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल्स टू 4 घंटे, मतलब यही टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है कि 100 अपॉन x प्लस 200 बाय y इक्वल्स टू 4 घंटे 10 मिनट, मतलब कितना हो गया, 1/6, मतलब 25/6 आर। ठीक, लेकिन ना इसको अपन दूसरे तरीके से सोचते हैं। मान लो अगर ये ट्रेन पूरा 300 किलोमीटर तय करती तो कितना ज्यादा समय लगता कंपैरेटिवली, है ना, पूरा 300 ही जाती। तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ 100 चली और यहाँ 60 चली, मतलब कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, उसमें टाइम कितना लगा एक्स्ट्रा, प्लस 10 मिनट्स लगा, ठीक 4 घंटे से। अब मान लो ये जो 200 किलोमीटर 240 किलोमीटर, ये पूरा कार से ना चल के रवि, मतलब जो भी आदमी है रवि, वो किससे जा रहा होता, ट्रेन से ही जा रहा होता। तो अगर 40 किलोमीटर में उसे 10 मिनट लग रहा है, तो 240 किलोमीटर में उसे कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। भाई 6 गुना है ना, 6 गुना मतलब 1 घंटा ज्यादा, यहां से यहां कितना घंटा ज्यादा लगता, 1 घंटा ज्यादा। तो बेसिकली अब रवि को टाइम कितना लग रहा है पूरा 300 जाने में, 5 घंटे, मतलब ट्रेन से जाने में। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आई, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना आसान था, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, इनकम का रेशियो क्या है। ओके, ठीक ये क्या है, 3:7:4, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 4:3:5। ओके, अगर ए सेव करता है कितने, 300 रुपये आउट ऑफ 2400। देखो आउट ऑफ 2400 मतलब ये जो 3 यूनिट बराबर है, ये 2400, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 800। तो ये हो गया कितना, 2400। ये कितना हो गया, 8:5600, और ये कितना हो गया, 3200, है ना, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 800। अब सेविंग कितनी कर रहा है, 300 रुपये, मतलब 2400 में से अगर मैं 300 घटा दूं तो बचा कितना, 2100 रुपये। ये क्या कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, मतलब ये 4 यूनिट बराबर क्या होगा, 2100। 1 यूनिट बराबर क्या हुआ, देखो 2000 मतलब 500 और 25, मतलब बेसिकली हुआ 525। ठीक, 1 यूनिट बराबर, तो यहाँ पे 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 1575। पहले हम एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लें, फाइंड द सेविंग ऑफ बी। अच्छा भाई, ये तो आंसर आ गया, 5600 में से 1575 माइनस कर दो, 5600 में से पहले 1500 घटाओ, ठीक है, कितना होगा, 4100। फिर उसमें से वो घटा दो, 75 घटा दो, मतलब कितना होगा, 4025 आंसर। ठीक, वैसे इसको मैं ऑप्शन से भी कर सकता था, जैसे मैं यहाँ देखा 1575 या 5600, मतलब 4000 के आसपास आएगा, और ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 4000 के पास में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी आर 3 पार्टिसिपेंट्स, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर एंड सी आर स्टार्ट ऑफ 69 मीटर्स, द स्टार्ट विच बी कैन अलाउ सी इज। ओके, देखो एक रेस है कितनी, 1000 मीटर्स की, ठीक, यहाँ ए खड़ा है, यहाँ बी खड़ा है और यहाँ सी खड़ा है। ए बी को कितना दे पा रहा है, 50 का, और सी को कितना दे पाएगा, 69 का, मतलब ये कितना हुआ, 19 मीटर। तो हमको ये बताना है कि एक
1000 मीटर की रेस में बी कितना स्टार्ट दे पाएगा सी को। ठीक, अब देखो अगर मैं बी से बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 950 बी से। तो बी जो है वो 950 के डिस्टेंस में कितने की स्टार्ट दे पा रहा है सी को, 19 मीटर की। तो ये तो लीनियरली इसको कर लो तो 1000 मीटर में कितना कर पाएगा, 19/950 × 1000, ये गया कितना, 5/50, कितना आएगा 20 मीटर। तो बी जो है वो सी को 1000 मीटर की रेस में कितना दे पाएगा, 20 मीटर का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ प्लेइंग बोथ। ओके, देखो ये जो सेट है ये क्या बता रहा है, मान लो ये फुटबॉल का बता रहा है, ये कितना है 40%, और ये जो सेट है ये कितना बता रहा है 50%, और ये किसको बता रहा है, क्रिकेट को। ये हमारा सैम्पल स्पेस है। अब इन दोनों के बाहर कौन सा है, 18%। ठीक, हमको ये निकालना है कि ये जो जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों करते हैं ये वाला हिस्सा वो कितने हैं। अगर मान लो ये पूरा मैं एक बार कंसिडर करता हूँ 40%, जो जो 100% है बेसिकली वो ये पूरा है, पूरा ये पूरा है 100%, है ना। तो ये जो 100% है इसमें क्या क्या हो रहा है, देखो 18% तो ये है जो दोनों नहीं खेलते, प्लस 40% वो हैं जो सिर्फ, मतलब जो सिर्फ जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, अब बाकी बचे जो है वो क्रिकेट कितने खेलते हैं, या सिर्फ क्रिकेट की बात करें अपन तो क्रिकेट वाले सिर्फ कितने होंगे, कितने होंगे। ठीक, इसको मान लो एक्स मान लो, या ऐसा मान लो कि 40% फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये जो एक्स है, एक्स परसेंटेज, ये कितनी बार काउंट हो गया इस 100% में, एक बार ये 40 में काउंट हुआ और एक बार ये 50 में काउंट हुआ, तो हमें एक बार एक्स परसेंट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, आया सबको समझ में। तो अब कुल मिला के इससे माइनस कर दो, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 90 और ये हो गया 108, तो बराबर एक्स बराबर कितना आया, 8%। मतलब 8% लोग ऐसे हैं जो दोनों फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे वो फॉर्मूला भी होता है ए यूनियन बी का, वो होता है पूरा ए, मतलब सिर्फ ए प्लस बी माइनस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए भी लगा सकते थे, हमने बेसिकली यही किया है ना, यही किया है। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊं, तो ये फॉर्मूला भी इसी मेथड से आया, ये जो मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ए बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्री आर कोकोनट ट्री एंड 25% ऑफ द कोकोनट ट्री आर मैंगो। ओके, देखो एक गार्डन है जिसमें 100 मान लो ट्री थे, तो 60 कितने हुए कोकोनट, फिर 25% आर कोकोनट ट्री का मैंगो है, मतलब इसका 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब कितना, 40 और 20 मतलब 15, कितने ये क्या है, मैंगो है। और मैंगो का जो है वो 20% ऑफ मैंगो ट्री आर एप्पल, मतलब 10% कितना हुआ, डेढ़ डेढ़ दुनी 3, मतलब ये कितना हो गया एप्पल। तो हमको ये करना है, इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री आर 1500, देन द नंबर ऑफ ट्री इन द गार्डन। तो देखो ये जो 3 यूनिट है ये क्या बता रहा है, 1500, एक यूनिट बराबर क्या बताएगा 500। अगर एक यूनिट 500 है तो हमने कितने माने थे 100, 100 बराबर कितना होगा 50,000। एक ऑप्शन देख लेते हैं इसमें है कि नहीं है, है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है सवाल। द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320, मतलब कितना 32, टू हैव द सम इक्वल्स टू 30% ऑफ 23। देखो 23 का 30% कैसे निकालेंगे, 23 का 10% कितना होगा 23, और 23 का 3 गुना कर दो कितना होगा 69। एक्स निकालो बेसिकली, 69 माइनस 32 करो कितना आएगा
37, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इतना आसान था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16% इज रुपीज 80800 एंड द इनकम ऑफ वन ऑफ देम इज 120% ऑफ द एवरेज इनकम। ओके, देखो एवरेज इनकम क्या होगी, 16 से डिवाइड करो, देखो 16 × 5 = 80, फिर 805050। ठीक, इसमें हमको क्या करना है, 120% ऐड करना है, क्योंकि जो एक सिंगल पर्सन है उसकी इनकम क्या है, इस एवरेज की 120% है। कुल मिला के मतलब 20% इसका निकालो, मतलब 1/5, मतलब कितना, 1010, 1/5 ऑफ 5050, और उसमें ऐड कर दो, मतलब कितना आएगा, 6060। ये किसकी होगी, इनकम ऑफ दैट पर्सन, हमको यही निकालना है, देन हिज इनकम इज। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 60th, अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। सपोज 100% उसकी इनकम थी, 40% किस पे कर दिया, फूड पे कर दिया, अब रिमेनिंग कितना बचा, 60%, 60% का 1/3 मतलब 20% ऑफ टोटल, ये किस पे किया, ट्रांसपोर्ट पे। इफ ही सेव्स 4500, उसने सेविंग कितनी करी है, 4500 रुपी, विच इज इक्वल टू द हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, विच इज इक्वल टू द हाफ द बैलेंस, देखो फूड और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया उसने, 60%, बैलेंस कितना बचा, 40%, इसका आधा मतलब कितना, 20%, मतलब ये जो 4500 है दैट इज इक्वलेंट टू 20%। ठीक, अब ये तो आसान हो गया, चलो 20% इक्वल्स टू 4500, अब इसको 100 बनाना है, मतलब यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4000 × 5 20000 हो गया, और 2500 मतलब 22500 हमारी इनकम कितनी आ गई टोटल, 22500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन 16 days ए कैन डू 50% ऑफ अ जॉब, बी कैन डू, अच्छा देखो अगर 16 दिनों में 50% जॉब कंप्लीट कर रहा है, एक एक्चुअल में कितने करेगा, 32 दिन में 100% कर देगा, बी कैन डू 1/4 ऑफ अ जॉब इन 24 days, मतलब 1/4 अगर इसमें कर रहा है 24 days में, तो इसका 4 गुना मतलब कितना होगा, 96 days में 100% कर देगा। ठीक, अब बेसिकली इनका एलसीएम निकालो, कितना ये हम टोटल वर्क डन मतलब 96, तो ये एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट, और ये एक दिन में कर रहा है कितना, 1 यूनिट। अब हमको ये बताना है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू 3/4 ऑफ द जॉब वाइल वर्किंग टुगेदर, तो एक दिन में दोनों कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट, और हमको 3/4 ऑफ किसका निकालना है, 96, और एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4। ठीक, तो हमें ये करना है, तो हम इसको 4 से काटते हैं, 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 16, ये गया कितना, 6 times, 6 × 3 = 18, मतलब 18 डेज में उन लोग क्या कर लेंगे, 3/4 ऑफ वर्क कर लेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर जॉब, अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 मेन इन 12 डेज। ठीक है, तो यहां से वर्क डन कितना आएगा, 10 × 12 मैन डेज, मतलब कितना, 120 मैन डेज। द सेम जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 10 वुमेन इन 6 डेज। ठीक है, तो मतलब बेसिकली 120 मैन डेज बराबर कितना होगा, 60, मतलब 10 वुमेन इंटू 6 डेज वुमेन डेज। ठीक, तो यहां से एक ऑटो बेसिकली कितना हो गया, 2 डे से डे कट गया, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई, ये वुमेन इधर आ गया, 1:2। ठीक, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1:2, मतलब मैन जो है वो एक दिन में 1 यूनिट, एक सिंगल मैन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, और एक सिंगल वुमेन एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही है। ठीक, तो इन हाउ मेनी डेज इफ द टू टीम्स वर्क टुगेदर, अब दोनों टीम को काम करना है, मतलब 10 men + 10 women, अब देखो वुमन की जगह मैं क्या कर दूंगा, 20 मैन कर दूंगा,
कितने हो गए मेरे पास टोटल 30 मैन हो गए, और टोटल वर्क कितना करना है 120 मैन डेज। ठीक, मैन से मैन कैंसिल हो गया, ये कितना गया 4, मतलब बेसिकली कितना आएगा 4 दिन, है ना, 4 डेज। 4 डेज में ही पूरा कंप्लीट कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 63 क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, बी एंड सी इन 24 डेज। एंड ओके, देखो ए बी सी, ए 8 दिन में कर रहा है, सॉरी ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने कर रहे हैं 24 दिन में, और सी प्लस ए कितने कर रहे हैं 8 4 बाय 7, मतलब 56, और ये 60/7, 60/7 डेज में, है ना। अब हमको ये करना है कि सी अलोन कितने दिन में कर लेगा। चलो चलो एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ हम ऊपर ऊपर ये वाले नंबर्स का लेंगे, हमको बाय सेवन से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एलसीएम लेके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करते हैं तो काटेगा क्या, ये तो 60 न्यूमरेटर ही काटेगा ना, 7 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, तो 60 24 और 8 का एलसीएम कैसे लेना है? देखो एलसीएम या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या उसका मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले 60 को देखो, 60 इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, मतलब 60 नहीं हो सकता। 60 का नेक्स्ट मल्टीपल 120, 120 इससे चला गया, इससे चला गया, और इससे चला गया 15 टाइम्स। ठीक, तो हमारा एलसीएम क्या आया 120। ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन। ठीक, टोटल वर्क अब देखो ये एक दिन में कितना करेगा, 120/8 मतलब 15 यूनिट। ये कितना करेगा 5 यूनिट, और ये कितना करेगा देखो 120/60 मतलब 2, और ये 7 ऊपर गया तो 14। तो बेसिकली एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 39 यूनिट, सॉरी 34 यूनिट्स। ठीक, लेकिन ये ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। अगर इन सबको सम करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहे हैं 17 यूनिट, है ना। तो बी ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 15 यूनिट, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई 2 यूनिट्स पर डे। ठीक, अब टोटल काम मेरे को कितना करना था 120, एक दिन में 2 यूनिट हो रहा, मतलब कितने दिन लगेंगे 60 डेज, ऑप्शन नंबर डी। ये बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 45 एंड, ओके देखो ए क्या है 45 डेज में कर रहा है, और बी जो है वो कितना कर रहा है 40 डेज में। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। ओके, तो हमको ये बताना ना ए ने कितने दिन के बाद छोड़ दिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए इतना दिन में काम कर देता है, बी उसी काम को इतने दिन में कर देता है, लेकिन ए कुछ समय तक काम कर करता है और फिर छोड़ देता है, और जो बाकी बचा काम है वो बी कितने दिनों में कंप्लीट कर देता है 23 डेज में। चलो है ना, एक बार एफिशिएंसीज देखते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 90 मतलब यहाँ पे आ रहा है 9 × 5, और यहाँ आ रहा है 8 × 5, मतलब 720, 360 इनका एलसीएम होगा, 9 और 8 72 और 5, है ना, 360 एलसीएम, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 360। अब इसको इससे काटो, 360 90 और 180, और वो मतलब ये 8 टाइम्स, और ये कितना जाएगा 9 टाइम्स। ठीक, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 17 यूनिट्स। अब ये जो 17 यूनिट्स हैं ये सम एक्स डेज किया, और बाकी का बचा रिमेनिंग जो वर्क है, ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है वो बी ने कितने, मतलब बी एक दिन में कितना कर रहा है 9, और उसने कितने दिन काम किया 23 दिन, ये टोटल मिला के कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। तो 17x=, अब ये करो मतलब 3 230 में से 23 घटा दो, मतलब कितना होगा 230 में से 23 घटा, मतलब 207, इसमें से 360 − 207। ठीक, तो एक्स बराबर क्या हो गया, अब इसको माइनस करो, 200 घटाओ तो कितना हुआ 260, 253/17, 17 से काटो 17, 17 1 टाइम्स, और ये कितना गया 73।
ये गया कितना 9 टाइम्स, तो एक्स बराबर कितना आया 19 डेज, एक्स बराबर 19 डेज। ऑप्शन ही में नहीं है 19 डेज, तो एक बार और देखते हैं। ओ सॉरी, ये 153 होगा ना। हाँ, तो ये कितना गया 9 डेज। ठीक, ये माइनस किया तो 153 होगा, ये 9 टाइम्स होता है। कैसे किया मैंने? देखो, 170 का 10 गुना होता है, 17 का 10 गुना होता है 170, उसमें से 17 घटा दो तो 253, मतलब 9 टाइम्स ना। ये सब कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती है, ऑब्जर्वेशन पार होती है। अगर आपकी ये सब डेवलप नहीं है तो एग्जाम में आपको काफी कठिनाई जाएगी, और ये सब अगर आपकी डेवलप्ड है तो आपको बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ओके, एंड 9 डेज आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर 5 मोर मैन ज्वाइन। ओके, 40 और इंटू 18 डेज, ठीक है, ये क्या हुआ? टोटल वर्क हुआ। अब इसमें क्या हुआ, 40 डेज तक 40 मैन ने कितने दिन तक काम किया? 9 दिन तक। और 9 दिन के बाद कितने मैन हो गए? 45। मान लो यहाँ से एक्स डेज लगते हैं। ठीक, अब ये देखो, काट दो 5 से, 8 8, और ये कितना गया 9। अब 9 से काटो तो 9 ये गया, ये गया, और ये कितना गया 2, मतलब 16 माइनस 8 बराबर एक्स, एक्स बराबर कितना 8 डेज। कुल मिला के कितने दिन और लगेंगे रिमेनिंग वर्क? 8 डेज। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 8 इन ईच केस एंड इज नॉट डिविजिबल बाय 13। देखो, 15, 18 और 24, हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें रिमाइंडर क्या आए? 8 आए। बेसिकली हम इसका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद उसमें प्लस 8 कर देंगे, तो रिमाइंडर हर केस में क्या आएगा? 8। देखिए, एलसीएम की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन पे जाऊं तो ऐसा नंबर होता है वो जो इन तीनों से परफेक्टली डिविजिबल हो, लेकिन हमको अगर रिमाइंडर 8 चाहिए तो उसमें हमें प्लस क्या करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। लेकिन हमको साथ ही साथ ऐसा भी नंबर देखना है जो 8 रिमाइंडर तो दे लेकिन साथ साथ क्या है, डिविजिबल बाय 13 भी हो। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, 15 18 24। अब कैसे? देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या उसका मल्टीपल होगा। ठीक, अब 24 इन तीनों से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हमें ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे एक 5 आएगा, मतलब 120। अब 120 को एक बार चेक करते हैं, ये चला गया किससे? 15 से, है ना, 90 और 30। 18 से 120 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 120 के बाद मैं क्या देखता हूँ? 240। ठीक, 240 चला जाएगा 15 से, बिल्कुल चला जाएगा 18 से, बिल्कुल चला जाएगा, मतलब ठीक है। एलसीएम कितना आ गया मेरा? 240। ठीक, अब 240 में मैं प्लस 8 कर दूं तो कितना आएगा? 248। अब इसको 13 से डिवाइड करके देखो, 13 वन ज़ा 13, यहाँ पे कितना बचा? 118। 118 130 माइनस, मतलब 117, नहीं ये डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे मैं 248 का नेक्स्ट मल्टीपल जाऊँ कि 240 का जाऊँ? हम किसका जाएंगे? 240 का, क्योंकि हमें डिविजिबल बाय ये तीन नंबर से देखना है ना। अगर मैं इसका मल्टीपल चला गया तो वो तो एलसीएम रहेगा ही नहीं। 240 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 480 प्लस 8, मतलब 488। अब इसको 13 से डिवाइड करो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक 39 हो गया। 39 के बाद यहाँ कितना बचा? क्या 98 बचा, और 98 3 से जाएगा 24, नहीं 6, 2 मिनट, 488 डिवाइडेड बाय 13, 13 इंटू 3 इज 39, यहाँ बचा कितना? 98, है ना। अब 98 तो अगर मैं यूनिट दे 6 6 3 18, 78, नहीं ये भी नहीं जा रहा,
24 24 ये भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट मल्टीपल जाते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, मतलब इसका 3 गुना, 24 का 3 गुना कितना हुआ, 60, और वो 12, 720, और 8। अब इसको 13 से काटो, 26, 52, 5 टाइम्स कितना गया, 65। ठीक, 65, 78, हाँ ये चला गया, आ गया आ गया आ गया। चलिए 728 मेरा नंबर आया। अब इसका सम करना है मुझे, 9 और 8 कितना हुआ, 17, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आया समझ में? देखो मैंने क्या किया, 240 को प्लस 8 इसको चेक किया, ये 13 से नहीं गया। फिर 488 को चेक किया, नहीं गया। फिर इसके नेक्स्ट मल्टीपल में गए, मतलब 720, 728 किया बटे 13 किया, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, बस हमने इसका सम कर दिया, हमें इसका सम ही पूछना था कितना आ रहा है, वो 17। ठीक, आगे बढ़ते हैं। N1:N2 कितना है, 4:5, और HCF कितना है, 16। द सम ऑफ दीज टू नंबर, देखो अगर मैं इनका HCF निकालूं तो वो क्या आएगा, 1, और ये बराबर कितना है, 16, मतलब ये नंबर कितना हो गया, 16 चौक 64, और ये कितना हो गया, 80। ठीक, द सम ऑफ दीज नंबर्स 144, 16 64 प्लस 80 144। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68th। ये क्या बोल रहे हैं, इफ अ ट्रेन रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेस द डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट। ओके, देखो अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो कितना मिनट लेट जा रही है, 15 मिनट, और 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो 7 मिनट लेट हो रही है, द राइट टाइम। ओके, देखो यहाँ हमको डिस्टेंस नहीं दिया ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसका जो स्पीड का जो एलसीएम होता है उसको हम डिस्टेंस मान लेते हैं। एलसीएम ऑफ 60 एंड 80 क्या आएगा, 240, मतलब इसको कितने घंटे, बेसिकली कितने लग रहे हैं, 4 घंटे, और इसको कितने लग रहे हैं, 3। ठीक, अब ये जो डिफरेंस है 4:3 का, ये जो डिफरेंस है 1 यूनिट, दैट इज इक्वेलेंट टू ये, मतलब कितना, ये 15 माइनस 8 मतलब 8 मिनट। ठीक, तो ये कितना हो गया, 32 मिनट, और ये कितना हो गया, 24 मिनट, है ना। तो मतलब जब 80 की स्पीड से जा रही है तो उसको कितने लग रहे हैं, 24 मिनट, और जब 60 की स्पीड से जा रही है तो कितने लग रहे हैं, 32 मिनट। अब ये 24 मिनट कब लग रहे हैं, जब 7 मिनट लेट पहुंच रही है, मतलब इसमें से 7 घटा दो, मतलब कितना, 4 और 3 17, एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, 17 मिनट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे जाते हैं 69। देखिए 69 क्या बोल रहा है, साइड ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 4। देखो ये रोम्बस है, 5 5 5 5, और डायगोनल कितना है, 8। 8 है, मतलब देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये कितना होगा, 4, और ये कितना होगा, 4, बाइसेक्ट ईच अदर प्लस 90 डिग्री पे करते हैं, है ना। तो अगर ये एक ट्राइंगल में मानू जिसमें 5 और 4, तो ये अगर ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 3, और ये भी क्या आएगा, 3। बेसिकली मेरा एक डायगनल आ गया कितना, D1 8, और D2 कितना आ गया, 6, 3 प्लस 3, तो एरिया क्या ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ D1 D2, मतलब 8 × 6, 3, मतलब कितना आया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 70th, देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज
55 65 एंड 75, 55:65:75, 5 से काटो ये गया 11, ये गया कितना 15, मतलब 13, और ये गया कितना 15। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, इज वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट एंड रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्ट, टोटल प्रॉफिट कितना है। अब यहाँ पे आता है वर्किंग प्रॉफिट का कंसेप्ट, वर्किंग पार्टनर का। अब ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, तो इस प्रॉफिट में से 20% तो वो पहले ही ले लेता है एज अ सैलरी। इसका 10% कितना होगा, 8775, इसका दो गुना करो। देखो 8,000 का दो गुना हुआ 16,000, 700 का दो गुना हुआ कितना 1,400, और इसका कितना हुआ 150, मतलब 16,000 प्लस 1,400 कितना हुआ 16,000, 17,400 और प्लस 150 कितना हुआ 17,550। ये इसने क्या ले ली, सैलरी ले ली, इसमें से माइनस कर दो, अब कितना वो बचा 0020 और 7, 70200। अब इतना प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटो, अब इनको सम करो कितना आया 24 और 15, मतलब कितना 39, दैट इज इक्वलेंट टू, हमें किसका निकालना है, ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर कितना 11 था, इसको काटो कितने जाओगे। देखो अगर इसका 20 गुना जाओगे तो ये कितना जाएगा 780, लेकिन हमको कहाँ जाना है 702 पे, इसका 18 टाइम्स करो। और हमें यूनिट डिजिट भी क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर 8 9 से 72 होता है तो मतलब ये 18 टाइम्स चला जाएगा, तो कितना हो गया, एक यूनिट बराबर कितना हो गया 1800। तो 11 यूनिट बराबर इंटू 11 करना है, कितना आएगा 19800। देखो किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, मतलब 18 इंटू 11 करना है, तो यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 8, और बीच में इन दोनों का सम 198 है ना। 16 इंटू 11 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 और 6 लिखो और इन दोनों का सम मतलब यहाँ 176। ठीक, ऐसे करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 19800। देखते हैं आगे ऑप्शंस में है कि नहीं है। देखो अच्छा, हमको ए का टोटल हिस्सा बताना है। देखो ये तो उसको प्रॉफिट में से मिला, प्लस 17,550 ये सैलरी भी हुई, तो इनको ऐड करो तो 50, और यहाँ पे क्या आएगा ये 3, ये हो गया 37350, ऑप्शन नंबर डी। ए भाई सैलरी भी तो ले रहा है, वो तो ऐड ही करना भूल गए थे। तो आगे करते हैं, 71 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो 3:5, आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन द बिजनेस इक्वल टू 20। ओके देखो, ए देखो ए का जो 3 है वो पूरे 12 महीने चल रहा है, बी का भी क्या चल रहा है, पूरा 12 महीने चल रहा है, और सी 6 महीने के लिए कर रहा है इक्वल्स टू बी, मतलब 5 6 6 होगा। एक 6 से काटो, 6:10:5, 3:5, ये हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 72 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इक्वल्स टू 2:1, ए और सी ने कैसे किया है 2:1 में, और ए और बी ने कितना किया है, यहां पे मिस प्रिंटिंग है तो यहां देख लेते हैं 3:2। ठीक ओके, देखो ए इस टू बी टू सी, देखो अगर मुझे ये मालूम है ए इस टू सी और बी इस टू सी, तो मैं इसका अपॉन करूंगा तो मेरा क्या आएगा, बी इस टू सी मतलब दिस अपॉन दिस बराबर क्या आएगा, 2/1/3/2। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2/1, मेरा मतलब बी इस टू सी कितना आ गया, सॉरी ये 2 है ना, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4। ओके 4/3, बी इस टू सी कितना आ गया 4:3। अब देखो ए इस टू बी मुझे मालूम नहीं इतना, 3:2, और ये कितना है 4:3। अब कुल मिला के यहाँ 2 रख दो, यहाँ पे 4 रख दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 12, 8 और 6,
अब ये किससे कट जाएंगे, दो से कट जाएंगे, छः चार और तीन, ये फाइनल रेशियो आएगा, छः चार तीन। अच्छा अब इनवेयर एनुअल प्रॉफिट कितना है, तो हमको 20 का शेयर करना है, मतलब ये सब का सम करो 10 और 13, दिस 13 यूनिट इज इक्वलेंट टू दिस, इसको काटो, 13 वन 13, 13 दूनी 26, 13 ठीक, हमको 4 यूनिट करना है, मतलब कितना आएगा, 484,000, 48,400, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 73rd, क्या बोल रहा है 73rd, एन अमाउंट इसको किस रेशियो में बांटा है, 8-4-7 में, और 5 मैन 8 बॉयज और 4 वुमेन, तो शेयर ऑफ अ सिंगल वुमेन करना है। सबसे पहले तो इसको करो, ये कितना हुआ 12 और 7 19, मतलब 1 यूनिट बराबर 20, मतलब ये कितना हो गया 140। अब 4 वुमेन को 140 मिला है, 1 वुमेन को कितना मिलेगा, 140/4, 35 रुपये, 120 और 20, हाँ ठीक है 35 रुपये, ऑप्शन नंबर बी, 1 वुमेन को कितना मिला 35 रुपये। आगे बढ़ते हैं, 74 क्या बोल रहा है, ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 16,012, मतलब कितना 4:3 का रेशियो है, आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रू 5,000 एंड बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर, ओके ठीक है। देखो उसको ऐसा करो, 16 3 मंथ तक 16 था, और इसमें से 5,000 हटा दिया 3 महीने बाद, तो कितने हो गए अब 5,000, तो 11 बचे, 11 ये कब तक चला, एंड आफ्टर 3 मंथ्स, ओके ये बाकी पूरा 9 महीने पूरा चला, ये ए था। बी का क्या हुआ, बी ने 12 किया था 3 महीने, और उसके बाद 5 और मिला दिया, कितना हो गया 17 और बाकी बटे 9 में। और जो सी था, सी ने आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन किया, कितने से किया 21,000 से, तो इसका सिर्फ 6 महीने का जोड़ेगा ठीक। अब इसको करते हैं, इसको काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, नहीं अभी नहीं काट सकते, इसको पहले, ये हो गया कितना 48 और 99, मतलब 147 ठीक, ये हो गया 36, और ये कितना जाएगा 170 - 17, 153, 189, और ये कितना जाएगा 120 और 6 126। अब ये किससे जा रहे हैं, सब 3 से जा रहे हैं ठीक, तो 3 से 3 4 12, 3 9 27, 3 6 18, और ये किससे जाएगा 3 4 12 और 3 2 6, अब किससे जा रहे हैं 7 से जा रहे हैं, 7 7 49, 9 7 6 42, अब और जाएंगे क्या, नहीं, तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आ गया 7 9 6। अब बीज शेयर एक्सीड डेट ऑफ सी, ओके जो इन दोनों का शेयर का डिफरेंस है ये 3 यूनिट, दैट इज इक्वेलेंट टू 26,400, 1 यूनिट कितना हो गया 8 24, 8 24 88,101 यूनिट हो गया। हमको निकालना क्या है, द शेयर ऑफ बी एक्सीड आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ, ओके सॉरी 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 सॉरी, टोटल प्रॉफिट यहाँ यहाँ कितना हो गया 15, मतलब ये जो 22 यूनिट है 11 से काटो ये 2, और ये गया कितना 2,400, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 2,400 का आधा 1,200, ये 3 यूनिट है डिफरेंस, तो ये जो 3 यूनिट बराबर कितना जाएगा 3,600, मतलब बी का शेयर सी से कितना ज्यादा है 3,600 रुपये ज्यादा है ठीक, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, ए बी सी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस, 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ओके 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी,
एंड द कैपिटल ऑफ बी मतलब ट्वाइस सी। ओके मतलब ये कितना आ जाएगा, 4b की जगह मैं क्या रख दूंगा, ट्वाइस सी मतलब 8। क्या छोड़ो अभी इसको है ना, तो मतलब ए इस टू बी मेरा क्या आ गया 4:3, और बी इस टू सी कितना आ गया 2:1 है ना। अब इसमें रख दो, यहाँ 3 और यहाँ पे 2, तो फाइनल रेशियो क्या आ गया मेरा 8:6:3, ऑप्शन नंबर ए। तो ये शेयर यहाँ पे ये वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ट्रिक्स आपको कैसी लगी ये भी बताइए, और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द लर्नर्स हब 2022, आप जैसे इसको टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो द लर्नर्स हब ऑफिशियल करके एक चैनल आएगा, उससे उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो और बाकी बचे जो जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में पर्टिकुलर जो सेफ स्कोर था वो 140+ था। अगर आपके इस टेस्ट में 140+ आ रहे हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है, और नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको एक बार और रिवीजन और ये सब प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यहीं से विदा लेता हूं मैं, जय हिंद, नमस्कार।